हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो ये मूवमेंट काफ़ी फनी है और मारुति की ही बिल्ड क्वालिटी के ऊपर है और ये लाइव है। अभी मेरे सामने ये चीज़ हुई है जो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा था, ये चीज़ लाइव हुई है मेरे सामने, तो वही मैं शेयर करना। तो ये है वो सेकेंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन आपकी डिज़ायर है, तो इसमें ही मारा था। तो ये लगा हुआ है, एक सेकेंड, एक्सपोजर को मैं, ये देख सकते हैं आप, ये डेंट पड़ा है और ये बम्पर थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, बाहर आ गया है। और फिर आते आते एक्सीडेंट में फिर यहाँ पर एक डेंट आता है, ये पूरा डेंट हो गया है, ये आप देख सकते हैं पूरा अंदर चला गया है, ये डोर भी मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा और ये भी। और देन उसके बाद यहाँ पे लाइट में आते हैं, लाइट की तरफ, तो लाइट में आ गया है स्क्रैच और ये अच्छा खासा स्क्रैच यहाँ पड़ गया। खैर स्क्रैचेस तो आते रहते हैं। एंड उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे कि देखा आप लोगों ने उस डिज़ायर में, जो कि मेरे पड़ोसी ही उन्होंने ही ले रखी है, 1.5 साल हो गया उस कार को। तो उस कार का एक मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करूँगा, और अबाउट वो 40,000, 35 to 40,000 के बीच में वो कार चल भी चुकी है 1.5 साल के अंदर ही, और डीजल वेरिएंट है VDI, तो मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को चाहिए कि नहीं स्विफ्ट डिजायर का लॉन्ग टर्म रिव्यू, कि इतने सालों में इसकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को कंसर्न है इस कार की बॉडी को लेकर के। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, और फिर वो आखिरी में कोई दूसरे लोग आ गए, वो लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ, कॉलोनी के लोग थे तो वैसे ही पूछ रहे थे, तो मैंने फिर वहाँ पे उतना रिकॉर्ड किया, फिर मैं वहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। और मैंने वैसे भी आप लोग को दिखा दिया था कि कार में क्या क्या नुकसान हुए, तो ये नुकसान आप लोग को लग रहा होगा शायद बाइक से हुआ हो, बाइक वाला कोई बगल से ला के लगा दिया हो, या कोई रिक्शा वाला, या बैटरी रिक्शा, या ऑटो, या कार से ही हो सकता है लगा हो, बट ये कार खड़ी थी तभी हुआ है एक्सीडेंट। खड़ी थी कार, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हुई थी कार जब एक्सीडेंट के टाइम पे भी। तो हुआ क्या, एक बच्चा, यहाँ बच्चे साइकिल चलाते रहते हैं तो बाउंड्री बन गई पार्क के, तो वहाँ पे बच्चों को ब्लाइंड स्पॉट पे कार खड़ी थी, वो बच्चा बड़ी सी साइकिल, उसने बड़ी साइकिल ले रखी थी, उसके कंट्रोल में नहीं थी साइकिल, तो मैं वहीं पे खड़ा था, तो बच्चा साइकिल चला रहा था, तो साइकिल लेके आया और उसने गाड़ी को ठीक से देखा नहीं, तो उससे साइकिल कंट्रोल नहीं हुई, और उसने साइकिल, मतलब बच्चे की स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर होगी, उससे भी कम ही होगी क्योंकि मोड़ पे था वो बच्चा, ले जाके गाड़ी में मारता है साइकिल। और वो भी आपने साइकिल देखी है, जो कि साइकिल तो मतलब बहुत ही हल्की चीज है, तो वो सारे डेंट्स उस कार पे, और आगे जो टायर क्या मैं दिखा रहा था वहां पे, वो इतना विजिबल नहीं हो रहा था, बस हाथ लगाने पे ना वो टायर पूरा ऐसे लहर सी आ जाती है ना लोहे में, वो लहर आ गई है टायर के व्हील आर्चेस के ऊपर। तो मतलब मुझे देख के बेकार लग रहा है कि मतलब साइकिल से लगी उस गाड़ी पे, और इतना बड़ा नुकसान, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन साइकिल के हिसाब से काफी ज्यादा नुकसान हुआ उस कार पे। स्क्रैचेस आए वो तो नॉर्मल है, स्क्रैचेस तो किसी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, लेकिन बॉडी इतनी, डोर मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा, नीचे से बम्पर मिसप्लेस हो गया, पीछे स्क्रैचेस लगे वो ठीक है, लाइट भी टूट सकती है, क्रैक हो सकती है कांच की, और वो चलता है, लेकिन ये जो आपका शीट मेटल है इतना ज्यादा पतला है कि उस पे एक साइकिल, बच्चा लाके साइकिल भी लगा दे रहा है, तो वो अंदर पिचक जा रही है, और अच्छा खासा डेंट विजिबल है मोबाइल पे, उतना आप लोगों को कैमरे में जो है नहीं दिखा होगा ठीक से, लेकिन वो जो इसमें डेंट लगा है वो काफी अच्छे से विजिबल है, डे टाइम में भी और रात में भी। और वो जो उसका बगल में उन्होंने वो लगवाए हुए थे गार्ड्स ना डोर वाले, तो वो गार्ड के, मतलब गार्ड ऐसे खड़ा है उसके पीछे लग चला गया उसका वो बॉडी, तो जो कि मुझे सही नहीं लगा कि मतलब यार बच्चा ही था उसने लगाया, तो मतलब कितनी लग जाती गाड़ी में, इतनी छोटी सी बात पे, इतनी छोटी सी एक्सीडेंट पे इस कार का ऐसे हाल हो जाता है, तो मतलब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज है बिल्ड क्वालिटी से लेके। और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट ऐसा देखने में मिल रहा है, मेरे सामने ही हुआ ये चीज़, तो मुझे तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, और मैं इसीलिए ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आप ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, भले ही सब्सक्राइब मत करिए लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करेंगे तो लोगों को पता तो चलेगा मारुति इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है बहुत ज़्यादा शीट मेटल से, जो कि आपकी जान को भी खतरे में डालता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मारुति की गाड़ियों का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इनकी शीट मेटल बहुत पतली है।
वो बहुत ही गलत है, क्योंकि इतनी पतली शीट मेटल भी नहीं देनी चाहिए। आप माइलेज के चक्कर में इतना कम वेट कर दे रहे हो कि साइकिल आके बच्चा मार रहा है तो आपकी गाड़ी पिचक जा रही है। दिस इज नॉट राइट। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहली हेलमेट पहनी एंड सेफ चलिए। गुड बाय।